सलमान खान ढूंढेंगे अब्दू के लिए गर्लफ्रेंड। सलमान खान ने अब्दू से किया वादा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में अब्दू रोजिक बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं और अब्दू रोजिक इस हफ्ते चर्चा में बने रहे। दरअसल निमृत के साथ उनके बॉन्ड को लेकर खूब चर्चा हुई। साजिद ने निमृत को बताया कि अब्दू आगे चलकर उन्हें प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में अब्दू को इस बात का स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि निमृत पहले से ही एंगेज्ड हैं और उनका बाहर बॉयफ्रेंड है। निमृत ने अब्दू से ये बात नहीं की और साजिद इसी बात को लेकर दोनों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। यानी निमृत और अब्दू का मामला इस हफ्ते चलता रहा। वीकेंड का वार के दौरान शो के होस्ट सलमान खान ने भी इसी विषय पर बात की और अब्दू को ये समझाया कि उन्हें निमृत के साथ अपने रिलेशनशिप को क्लियर करना होगा। इतना ही नहीं, साजिद खान को फटकार भी लगाई कि अब्दू के साथ एक तरफ तो तुम निमृत का नाम लेकर उसे चिढ़ाते हो, उसे उकसाते हो और वहीं उससे दूर रहने की सलाह भी देते हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड ही हुआ। निमृत का नाम लेकर अब्दू के साथ मजाक करने के लिए साजिद को सलमान खान ने मना किया है और अब्दू को भी ये समझाया है कि उन्हें भी इस तरह के मजाक को स्वीकार नहीं करना होगा और अगर उन्हें गुस्सा आता है तो उन्हें वो गुस्सा जाहिर करना होगा। अब्दू ने भी सलमान की नसीहत को पॉजिटिवली लिया है और कहीं ना कहीं वो सलमान की बात को मानते हुए नजर आए हैं। जिसके बाद सलमान खान ने उन्हें ये बताया कि अब आपके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की जिम्मेदारी सलमान ब्रो की है। यानी अब सलमान खान अब्दू के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे। जिसके बाद सलमान खान ने मजाक के लहजे में ये भी कहा कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड अब से टीना होगी। जिसके बाद सभी घर वाले हंसते हुए नजर आए। हालांकि ये मजाक था, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब्दू के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने का जिम्मा अब सलमान खान ने अपने सर ले लिया है। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।